खबर आपको बता दें, भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का निधन हो गया है, ऐसी जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे मनोज मंडावी। और एक दुखद खबर छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी, भानु प्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी के निधन की सूचना मिल रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी वो रहे हैं और बड़ा लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। तो दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनके काम को काफी सराहा है लोगों ने, अपने क्षेत्र के काफी लोकप्रिय नेता रहे। और इस वक्त बुरी खबर मिल रही है, भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी मनोज मंडावी रहे। अच्छी जानकारी मिली कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। तो बेहद दुखद खबर छत्तीसगढ़ के राजनीति से जुड़ी, भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। तो बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन, बहुत लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी छवि, और खास तौर पर अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात करें, बहुत से ऐसे काम जो हमेशा लोग याद रखेंगे उनके योगदान को। लेकिन एक दुखद खबर आज मिल रही है, भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। विधानसभा के छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे और काफी बड़े कद के नेता, काफी लंबा राजनीतिक जीवन। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनकी सक्रियता को लोग हमेशा, उनके योगदान को लोग हमेशा याद रखेंगे। तो बेहद दुखद खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी, जहां पर भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी के निधन की सूचना मिल रही है और हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, इस जानकारी मिली। तो बहुत ही लोकप्रिय नेता और एक बड़ा चेहरा, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी एक दुखद खबर आपको बता रहे हैं। तो हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये पहली तस्वीर भी आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल में उनके निधन के बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी। तो भानु प्रतापपुर से विधायक रहे, भानु प्रतापपुर आप दूर नक्सल प्रभावित इलाका है और जहां पर उन्होंने बेहद बहुत सारे ऐसे काम किए जो हमेशा रखा जाएगा। सौरभ परियार हमारे से फुल लाइन पर जुड़े, सौरभ क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए खबर आ रही है, काफी दुखद खबर है मनोज मंडावी के निधन का। मनोज मंडावी आदिवासी नेता थे और विधायक थे अभी, और काफी धाकड़ नेता थे, अपनी बातों को वो अच्छे ढंग से रखते थे। वर्तमान में भी वो विधानसभा उपाध्यक्ष थे और कहीं ना कहीं इस निधन से जो है कांग्रेस के और जो अदर पार्टी है उनसे, उनके नेताओं को भी काफी झटका लगा है। और निश्चित रूप से जो मनोज मंडावी है उनका पूरा कार्यकाल देखें तो वो जो है विधानसभा में अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष थे, इससे पहले वो विधायक रहे हैं, तो उनका पूरा जो अपना कार्य रहा है अपने आदिवासी लोगों के प्रति ही रहा है। पिछले दिनों ही जो है एक मीटिंग हुई थी उसमें भी वो शामिल हुए थे, आरक्षण के मुद्दे पर जो मीटिंग हुई थी सर्व आदिवासी समाज की। तो निश्चित रूप से उनका निधन जो है एक शॉकिंग है, और कुछ देर पहले ही खबर आई है हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। वो अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत रहते थे, लेकिन एक बार फिर से ये उनको एक और इसी तरीके का अटैक जो है पिछले दिनों और आया था, जिसके बाद से वो लगातार जो है अपनी इलाज जो है ट्रीटमेंट लगातार करा रहे थे। लेकिन अभी जो खबर आई वो काफी दुखद है, और अभी मनोज मंडावी जो है उनका पूरा जो अंतिम संस्कार है वो विधि विधान से किया जाएगा। और ये खबर जो है आने के बाद जो है सभी जो कांग्रेस के नेता हैं वो स्तब्ध हैं। बता दूं मैं जो है, उनका जन्म जो है 14 नवंबर 1964 को हुआ था, ग्राम नथिया नवागांव जिला
उत्तर बस्तर कांकेर में, और जो वो जो है एम एलएलबी तक की पढ़ाई किए थे, जो ट्राइबल में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पढ़ाई जो है उस समय हुआ करती थी। उसके बाद जो है उनका पूरा फोकस जो है राजनीति में रहा। वो जो है यहाँ पर जो उनकी अभिरुचि थी वो जो है खासकर खेल और संगीत पे थी, और हमने कई मौकों पर देखा है कि वो खेल खेलते हुए भी नजर आते थे, संगीत में जो आदिवासी डांस है वो भी करते हुए नजर आते थे। और अगर पूरे उनकी बात करें पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री उनका काफी शुरुआत से ही रहा है। वो पहली बार जो है अपने जो कांकेर कॉलेज के अध्यक्ष बने, तो समझा जा सकता है कि शुरुआत से ही वो राजनीति से जुड़े रहे। प्रथम बार जो है वो निर्वाचित हुए थे उसके 1998 में, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए आदिवासी कांग्रेस के, फिर सदस्य बनाए गए एआईसीसी के, फिर ये लंबा चलता रहा है। कांग्रेस के जो एसटी डिपार्टमेंट है उसमें वो काफी लंबे समय से जुड़े रहे। वो मध्य प्रदेश के दौरान भी जो है संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इसी तरीके से उनका जो और बताएं कि 1998 और 2000 के बीच जो है वो एसटी एससी परिवहन और आदिवासी मंत्रालय समिति में मध्य प्रदेश शासन में भी शामिल है। फिर 2000 में जैसे ही सरकार 2000 में जैसे ही यहाँ छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, फिर अजीत जोगी की सरकार ही, अजीत जोगी की सरकार में भी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, राज्य मंत्री गृह जेल परिवहन लोक निर्माण और नगरी प्रशासन जैसे विभागों में प्रमुख रहे। इसी तरीके से जो संगठन में तो रहे ही, सरकार में रहे ही, उसके अलावा जो उनका अपनी समाज को लेकर समर्पण था, समाज को लेकर भी उन्होंने काफी काम किया, और समाज के विभिन्न जो उनके संघ है, विभिन्न जो पद है उस पे वो जो है रहे। 2014 से 18 तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे आपके छत्तीसगढ़ी आदिवासी विकास परिषद के। तो कुल मिलाकर उनके पूरे जीवन काल को देखा जाए तो वो काफी जो है एक समाज के प्रति रहा, एक जो संघर्ष रहा, काफी संघर्ष किया था इन्होंने पॉलिटिकल में, बहुत सारे बीच में उनके साथ हुए थे। और मनोज मंडावी जो ऐसे नेता थे जो बहुत बेबाकी से अपनी बात जो है अपने बड़े बड़े नेताओं के सामने रख दिया करते थे, और निश्चित ही उनके निधन से ये काफी शॉक हुआ है। और ये सुबह की खबर आई है, धमतरी के जो एक हॉस्पिटल है वहां पे उनको एडमिट किया गया था, और इसके बाद उनका निधन हो गया है हार्ट अटैक से। बिल्कुल, बेहद दुखद खबर है सौरभ, और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भानुप्रतापपुर में एक बड़ा आदिवासी चेहरा प्रदेश के लिए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने नेतृत्व किया आदिवासी समाज का। अगर इस पूरे उनके कार्यकाल की बात करें, उपलब्धियों की बात करें सौरभ, क्योंकि भानुप्रतापपुर में एक आदिवासी के नेता के तौर पर काम करना कितना उनके लिए कठिन रहा, और क्या प्रमुख योगदान उनके रहे जो हाईलाइटेड, जिसे लोग हमेशा याद करेंगे। सौरभ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पिछले दिनों भानुप्रतापपुर के लिए उन्होंने कई सारे मांग जो है जो संबंधित जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी मुलाकात किए थे, वहां के एक डेलीगेशन को भी उन्होंने मुलाकात कराई थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास भी मिलने आए थे। और कहीं ना कहीं भानुप्रतापपुर के विकास कार्य को लेकर वो जो है काफी अग्रणी थे, और जो भी मदद हो सके वो सामने लाने की कोशिश करते थे। और अब कहीं ना कहीं भानुप्रतापपुर के लिए भानुप्रतापपुर की जनता भी उन्हें काफी चाहती थी। अब जिस तरीके से ये खबरें आ रही है, वहां की जनता में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। सौरभ, कितना बड़ा नुकसान क्षेत्र में अगर बात करें कांग्रेस को, अगर ये नेता, ऐसे नेता अगर उनके बीच से चले गए हैं, तो उस क्षेत्र में आदिवासी चेहरे के रूप में कितना बड़ा नुकसान इसे देखा जाएगा? बिल्कुल, दरअसल इनकी जो छवि थी वो बहुत ही लोगों से जुड़ा हुआ एक कहा जाए, कभी लोगों से ऐसा नहीं रहता था कि वो लोगों से हटकर रहे, कटकर रहे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ जनप्रतिनिधि जो है लोगों से, अपने जनता से कटकर रहते हैं। ये हमेशा यहाँ रायपुर में उनका जो है शंकर नगर में जो निवास है, विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं अभी, तो वहां भी हमने देखा है कि जो ग्रामीण वहां आए रहते हैं वहीं पे जो है रुके रहते हैं, कई कई दिन तक वहीं खाना खाते हैं। उन्हें जो मनोज मंडावी वो जो है सारी उनकी व्यवस्थाएं कराते हैं, तो समझा जा सकता है कि जनता से जुड़ाव उनका जो है काफी रहा है। और निश्चित रूप से ऐसे, सौरभ आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त राजा राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा, इस वक्त
इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है और क्या रिएक्शन आ रहा है लोगों का? अभी जो चलिए राजा, आपको यहाँ पर रोकेंगे, आपको रोकेंगे यहाँ पर। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे आपसे, एक बड़ी दुखद खबर यहाँ मिल रही है। स्तब्ध करने वाली समाचार। ये बड़े करीबी साथी रहे, कई वर्षों से साथ हम लोग का बना रहा था और विश्वास नहीं हो रहा है ये कैसे हो गया। बहुत ही दुखद घटना। उनके परिवार को सांत्वना मिले इस बहुत बड़े नुकसान के समय में, उनको शक्ति मिले बहुत बड़े दुख सहने का। बहुत ही दुखद घटना। बड़ा आदिवासी चेहरा उनको माना जाता रहा है, बड़े राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया। फिलहाल क्या कुछ ऐसी कोई बात जो आप शेयर करना चाहेंगे उनसे जुड़ी? बहुत ही स्पष्टवादी थे और खुले मन के व्यक्ति थे, निडर व्यक्ति थे और लोगों के लिए काम करने की बड़ी गहरी मंशा ललक उनमें थी। एक बहुत ही उन्हार जनप्रतिनिधि को हमने खो दिया है, परिवार ने अपने संबल को खो दिया है। जी, वैसे तो अभी ये कहना बहुत ये वक्त नहीं बात करने का, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान, अगर वो यहाँ से चले गए अपने क्षेत्र में, अगर अब वो नहीं रहे तो कितना बड़ा लॉस आप इसे देखते हैं? बहुत बड़ा। वो संसद में उनकी एक विशेष पहचान थी, विशेष पकड़ थी, पूरे क्षेत्र में लोगों के मन में उनके लिए एक स्वीकारोक्ति थी, तो बहुत बड़ा नुकसान उस नाते भी है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका टीएस सिंहदेव जी। तो कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव चर्चा में बता रहे थे कि बहुत सारी बातें जो उनके साथ थी वो निडर थे, काफी अच्छी मुखरता से अपनी बात रखते थे। राजा राठौर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। राजा, क्या रिएक्शन मिल रहा है यहाँ पर लोगों का? देखिए, मंत्री कवासी लखमा ने गहरा दुख जताया है मनोज मंडावी के निधन के बाद। उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी क्षति है आदिवासी समाज के लिए भी, साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए भी। वहीं जो खबरें आ रही हैं वो यही कि देर रात मनोज मंडावी अचानक हार्ट अटैक आने की खबर मिली, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जा रहा था। धमतरी के बटेना हॉस्पिटल है वहां तक पहुंच पाए थे, वहां इलाज के दौरान निधन हो गई, ऐसी खबरें आ रही है। बहुत एक्टिव रहे हैं, बहुत बड़े चेहरा रहे आदिवासी नेतृत्व का उन्होंने किया। फिलहाल उपलब्धियों की अगर बात करें राजा, अगर क्षेत्रवासियों की बात करें, जो कि जाहिर सी बात है जनप्रतिनिधियों का तो रिएक्शन आ रहा है, क्षेत्र में किस तरीके का माहौल है? देखिए, पूरे इलाके में एक नाम मनोज मंडावी का चलता था, लोगों में काफी प्रेम था उनको, लोग काफी उनको प्रेम भी करते थे उस इलाके में। लिहाजा काफी पूरे बस्तर की बात की जाए तो बस्तर में ही भी मनोज मंडावी के निधन की खबर के बाद से शोक की लहर है, लोग दुखी है। कुछ ऐसी बातें जो खास बातें जो बताना चाहेंगे राजा उनके बारे में जो उनके क्षेत्र से जुड़ी हो? देखिए, लगातार काफी लंबी राजनीति करियर उनकी रही है, वहीं लोगों से सीधा जुड़ाव रखते थे, लोग उनसे सीधे तौर पर अटैच रहते थे और खुल के बात करते थे, खुल के संवाद होती थी लोगों से। कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता बस्तर से लोगों के पीछे चला गया है जो सीधे लोगों से जुड़ाव रखते थे, सीधी वार्ता करते थे किसी भी मुद्दे पर। आदिवासी का मुद्दा इन दिनों काफी छाया हुआ है राजा, ऐसे में अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस वक्त आदिवासी क्षेत्र में पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, ऐसे में इनका जाना कितना बड़ा लॉस है? देखिए, बस्तर जैसे इलाके में खासतौर पर मंत्री कवासी लखमा के साथ मनोज मंडावी है, ये दोनों की आपस में काफी बनती रही है, दोनों आपस में। चलिए राजा, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ विधायक सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण जी, आप बहुत सीनियर विधायक हैं और ऐसे में अगर आप अगर इनके दुखद की खबर आप मिल रही है, क्या कुछ रिएक्शन देंगे, क्योंकि लंबा समय राजनीतिक अनुभव रहा है? देखिए, मनोज मंडावी जी के निधन से हम सब स्तब्ध हैं। ये हमारे अब सीनियर आदिवासी नेता थे, उनका व्यापक प्रभाव अपने क्षेत्र में रहा है, उनके इस निधन की अपूर्णीय क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता।
मनोज मंडावी जी एक बहुत सामाजिक रूप से बहुत मजबूत नेता थे और अचानक इस तरह के हादसे से हम सब व्यथित हैं और एक तरह से कहा जाए कि उनके निधन को निधन से पूरे आदिवासी समाज में बड़ा शोक व्याप्त है जी। हम अपने आदरणीय नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे जी। और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े। सत्यनारायण जी, आप बहुत ही सीनियर विधायक के रूप में जाने जाते हैं, संवैधानिक पद पर रहे मनोज मंडावी, किस तरीके से वहाँ पर संविधान जो संवैधानिक गतिविधियां थी जो सदन के भीतर वो किस तरीके से सारी चीजों में सहयोग करते रहे? विधानसभा में बहुत अच्छा संचालन करते थे और बहुत प्रिय थे, बड़े मधुर नेता थे और एक तरह से कहा जाए कि सामाजिक रूप से बहुत ही सशक्त नेता हमारे बीच में चले गए, उनके की पूर्ति कभी नहीं हो सकती जी। और ऐसी स्थिति में हम सब बड़े दुखी और व्यथित हैं। सत्यनारायण जी, कोई ऐसी बात तुमसे जुड़ी, कोई ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, वो हमेशा हम लोग साथ रहे हैं, उनका विरोधी स्वभाव भी रहा है और सख्त लहजे में भी कभी कभी उन्होंने अपनी बात कही है और जी, और हमेशा वे सांस्कृतिक आयोजनों में भी खूब बढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे नेता के निधन से समाज को बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है जी। चलिए सत्यनारायण जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सत्यनारायण शर्मा बहुत ही सीनियर विधायक और चूंकि संवैधानिक प्रक्रियाओं में भी लगातार वो जुड़े रहे, इस वजह से उस एंगल से भी उन्होंने सारी बातें शेयर की। एक इस वक्त कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कवासी लखमा जी, क्योंकि आपके साथ के एक साथी और आपके क्षेत्र में ही जहाँ पर आदिवासी लोगों का नेतृत्व करते हुए आज वो हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया? आज हमारा विधानसभा के उपाध्यक्ष आदिवासी वरिष्ठ नेता हमारा बीच में नहीं रहने से हमारा समाज को बहुत क्षति पहुंचा है। ये मेरा राजनीतिक संबंध भी था, घर का संबंध भी था, जीजा भाटो का नेता था, हम लोग को बचपन से साथ में बस्तर का नेतागिरी किया है। आज मनोज मंडावी हमारा बस नहीं रहने से हमारे बस्तर संभाग को और आदिवासी समाज को बहुत क्षति हुआ है। व्यक्तिगत मेरे को तो हमारे परिवार का भी चले जाने से मेरे को बहुत दुख पहुंचा है जी। मैं भगवान से यही विनती करता हूं कि मतलब उनके परिवार को शक्ति दे और उसके आत्मा को अपना पैर में स्थान दे। लेकिन आज इतना बड़ा दुख बस्तर के लिए, मैं पहला बार सोचा है, मेरे को अभी 6 बजे खबर मिला तो मैं कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कैसा ये घटना घटित हुआ है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, समाज और सब लोग पीड़ित है। मैं अभी उनके पार्थिव शरीर को देखने और उनके काम जा रहा हूँ। कवासी लखमा जी, जिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आप काम करते हैं, वो भी उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में काम करते रहे, किस तरीके से वो आदि उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वो लोगों से डील करते रहे, उनकी समस्याएं सुनते रहे, उनका निराकरण करते रहे? लगातार हमारे बस्तर संवेदनशील होने के कारण भी वो कभी गांव नहीं छोड़ता था, लोगों को बीच में जाता था, हमारा समाज के बीच में जाता था। आदिवासी में बहुत दबंग नेता था, शरीर से भी, बातों से भी, कभी उसके बात में किसी को एग्रीमेंट नहीं करता था। अपने समाज के बारे में, बस्तर के बारे में कोई भी बात होना है, चाहे बस्तर प्राधिकरण का मीटिंग हो, चाहे विधानसभा हो, बहुत बस्तर के दमदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर और अपना अगर बस्तर के बारे में उनके पार्टी से अलग होके भी बस्तर के लिए और आदिवासी के लिए बात करने वाला नेता हमारा बीच में नहीं है। हमारा आदिवासी लोग के लिए बहुत सत्य है और समाज के लिए बहुत सत्य है। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे है, अभी शादी भी नहीं हुआ है, इसलिए बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित हूं। कवासी लखमा जी, कोई ऐसी बात जो उनसे जुड़ी, जो आप कोई याद ऐसी जो शेयर करना चाहेंगे हमसे?
मैं मतलब हमारे साथ हम लोग कभी भी हो, मैं मंत्री हूँ उपाध्यक्ष है, कभी हम लोग मंत्री उपाध्यक्ष का संबंध नहीं रखते थे, घरेलू संबंध रखते थे। मैं जब से मैं तो नेता नावा का बचपन से आता था जी, और हमारे कभी कभी राजनीति सलाह पढ़ा लिखा होने के कारण मेरे को कभी कभी समाज के बारे में, नेतागिरी के बारे में भी सलाह देता रहा, उनका भी बात मैं सुनता था, मेरा बात भी वो सुनता था जी। ऐसा नेता रहने से मैं व्यक्तिगत बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित हूँ। चलिए कवासी लखमा जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक दुखद खबर आज सुबह मिल रही है, भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का निधन हुआ, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है बहुत ही मुखर और बहुत ही तेज तर्रार नेता, और अपने क्षेत्र की बातों को बहुत ही मुखरता से, निडरता से रखते थे। और जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे थे, आदिवासी इलाका, दूर नक्सल प्रभावित इलाका जहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ होती है, उन चुनौतियों के बीच भी वो लोगों की समस्याओं को सुना करते थे और उनका समाधान किया करते थे। लेकिन आज ये दुखद खबर आज मिल रही है, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी एक संवैधानिक पद पर किस तरीके से वो अपने विधायक साथियों से डील करते थे, पक्ष और विपक्ष से तमाम बातें विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बताई, बहुत ही सीनियर विधायक रहे। और साथ ही लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं लोगों की, उनके साथियों की जो कि उनके साथ सदन में रहते हैं, उनके साथ पूरे जनप्रतिनिधि के तौर पर उनके क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। तो बहुत ही दुखद खबर, इस वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हुआ है, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। और धमतरी के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस लिया। हालांकि जैसे राजा बता रहे थे, जब उनको रास्ते में ले जाया जा रहा था उसी वक्त उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहते थे जैसा सौरभ बता रहे थे, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक की समस्या उनको थी। पहले भी एक अटैक आया था, लेकिन आज सुबह जो अटैक आया वो उनके जीवन काल के लिए अंतिम अटैक रहा। और उसके साथ ये दुखद खबर सामने आई सुबह, जब भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का निधन हो गया। केदार गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। केदार जी, वैसे तो आप विपक्ष में रहे, लेकिन किस तरीके से आप उनके पूरे राजनीतिक कार्यकाल को देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वो आपके साथ ही रहे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक बड़ी क्षति हुई है, और एक परिपक्व राजनेता आदिवासी समाज से हम सबके बीच नहीं रहे, ये बड़ा दुखद है। अभी समाचार आईबीसी चैनल के माध्यम से ही मिला, और मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज के बारे में चिंतन करने वाले, सोचने वाले विधानसभा की कार्यशैली को और विधानसभा की कार्यवाहियों को अच्छे से रूप से चलाने वाले एक नौजवान नेता हम सबके बीच, जो बड़े राजनीतिक अनुभव के साथ हमारे साथ थे, नहीं रहे जी। हम सब उस पर संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, और उनके बताए हुए रास्ते पर आदिवासी समाज में अन्य नेता और जागरूक निकले, ताकि आदिवासी समाज में जो क्षति हुई है उसे पूरा किया जा सके जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अपने चरणों में उन्हें स्थान प्रदान करे। केदार गुप्ता जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि की अगर हम बात कर रहे हैं, और खासतौर पर जहां पर वो काम कर रहे थे, जिस क्षेत्र में थे वो, उस क्षेत्र में काम करना बेहद मुश्किल होता है, बहुत विपरीत परिस्थितियां होती हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से वहां के समस्याओं को लेकर आना और उनको लोगों, उनको प्रशासन के सामने रखना कितना अहम होता है? इस तरीके से नेता का चले जाना, उस क्षेत्र के नेता का कितना बड़ा, उस क्षेत्र का कितना बड़ा लॉस होता है? निश्चित रूप से नक्सलवाद से ग्रसित वो क्षेत्र रहा है, और कई दशकों से वहाँ नक्सलवाद सक्रिय है, और उस बीच में राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय होना, सार्वजनिक जीवन को चुनना, आदिवासी समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ना, और लगातार धमकियां नक्सलवादियों की मिलती रहती है सर, सार्वजनिक जीवन बहुत ही बस्तर के क्षेत्र में खतरनाक रहा है। भीमा मंडावी जी को तो नक्सलवादियों ने उनकी हत्या ही कर दी थी, उसके बावजूद एक सार्वजनिक क्षेत्र में विकास का जज्बा रखना, आदिवासी क्षेत्र को विकास से जोड़ने का प्रयास, सभी समझते हैं और आप लोग तो ज्यादा बेहतर जानते हैं। इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
राम भवन कुशवाहा जो कि उनके साथी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राम भवन जी, किस तरह के अनुभव, किस तरह की यादें उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि एक बार उनको अटैक आया था लेकिन आज जो अटैक आया वो अंतिम साबित हुआ। ये क्या है, अपने निज निवास में नथिया नवा गांव में अपने निज निवास में थे, वहां पे सुबह इनको 5 बजे उल्टी और चेस्ट में पेन की शिकायत आई, उसके बाद इनके परिजन इनको लेके और चरामा हॉस्पिटल गए। चरामा हॉस्पिटल में दिखाने के बाद डॉक्टरों ने इनको रिफर कर दिया आगे के लिए, लेकिन जैसा वो साथ में जो डॉक्टर चल रहे थे वो बता रहे थे कि रास्ते में ही आफ हो गए, लेकिन 7:30 बजे बठेना पहुंचने के बाद यहाँ पे गहन परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने घोषित किया कि ये मतलब नहीं रहे। राम भवन जी, इसके पहले भी उनको अटैक आया ऐसी जानकारी मिल रही है, कब उनको अटैक आया था? वो तो अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग रहते थे। चलिए, उनके कामकाज की अगर कार्य की बात करें राम भवन जी, क्योंकि आप साथी हैं उनके और बहुत ही निकटता से निडरता से वो बात रखा करते थे, क्या रिएक्शन वहां पर, क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिल पा रही राम मोहन जी? अभी जो माहौल है पूरा गमगीन है, अब इसमें कौन क्या बोलेगा, उनका परिवार और बच्चे यहाँ पहुंच चुके हैं, सब लोग भी लग रहे हैं, यहाँ प्रशासन के समस्त अधिकारी एसपी साहब डिप्टी कलेक्टर वगैरह सब पहुंच गए, अब इनकी डेड बॉडी को रवाना किया जा रहा है इनके निज निवास नथियाना गांव नवा गांव के लिए, अब एम्बुलेंस में डालने की तैयारी चल रही है, एम्बुलेंस लग गया है और ये डाला जा रहा है। चलिए राम भवन जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी के नेता विक्रम उसेंडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप बड़े मुखरता से आप भी काम कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, मनोज मंडावी के निधन की सूचना मिल रही है, प्रतिक्रिया चाहेंगे आपसे विक्रम जी। जी, बहुत ही एक दुखद समाचार घटना प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से बहुत अच्छे हमारे मित्रों में से एक मंडावी जी रहे, उनका नहीं रहना व्यक्तिगत रूप से मेरी एक निजी कहना चाहिए मैं मानूंगा कि बहुत अच्छे संबंध, हम दोनों का संबंध ये था कि 1993 में जब मैं विधायक था तभी भोपाल वगैरह आते थे तो मेरे पास रुकते थे और जहां पर भी मिलते थे आत्मीयता के साथ उनके संबंध और उनका इस उम्र में जाना बहुत निश्चित रूप से एक इस घटना के बारे में मेरे पास हम नहीं है, निश्चित रूप से उनका एक कमी जो आदिवासी समाज के साथ साथ एक प्रखर ताकि अपनी बात रखने वाले स्पष्टवादी नेता थे, मैं निश्चित रूप से हमारे जो पारिवारिक संबंध थे मैं अपने आप को उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे, निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूं इस घटना से सुनकर के। विक्रम उसेंडे जी, ये सवाल मैंने कवासी लखमा जी से भी पूछा था क्योंकि आप लोग लगातार आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप सक्रिय होकर काम करते हैं, किस तरीके से उनका किस तरीके से लोगों की समस्याएं सुनते थे उसे लेकर प्रशासन तक पहुंचाते थे, आपका कोई ऐसा अनुभव जो साझा करना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से उनकी एक सक्रियता के साथ साथ वहां की समस्याओं के लिए हमेशा वो प्रखर ताकि अपनी बात रखते थे और समस्याओं प्रति हमेशा एक गंभीरता के साथ हमेशा जीवन संपर्क रहता था वहां की जनता के साथ, कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे क्योंकि उसे लगा विधानसभा क्षेत्र अंतर में आते जाते में देखता था और जहां पर भी हम हमारी मुलाकात होती थी बहुत आत्मीयता के साथ होती थी और एक अच्छे एक राजनेता के रूप में उनकी एक छवि और एक काम करने की उनकी शैली और तत्काल निराकरण करने की उनकी क्षमता में देखता था और निश्चित रूप से उनका इस प्रकार से कम समय में जाना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी बहुत बड़ी एक क्षति रही। चलिए विक्रम उसेंडे जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन मरकाम जी, बहुत दुखद खबर आज मिल रही है, आपके साथी आज नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? हमारे वरिष्ठ विधायक और विधानसभा के सम्माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष आदरणीय मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे दुखद समाचार मिल रही है। मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से मैं सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उनका जाना हमारे लिए अपूर्ण क्षति है क्योंकि एक जाने माने आदिवासी नेता थे, उनका जाना ही हमारे लिए बहुत अपूर्ण क्षति हुई है। अगर अनुभव की बात करें, काफी अच्छा अनुभव अपने क्षेत्र में काम करने का, काम काज के साथ ही उस लोगों की समस्याओं को सुनते और प्रशासन के सामने, अब चूंकि अब आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, ऐसे में किस तरीके से लोगों की समस्याओं को वो निराकरण करते थे, किस तरीके से लेकर आते थे? और छात्र राजनीति से हमेशा लोगों की समस्याओं को निराकरण के लिए रहते थे। हम लोग जब पढ़ते थे वे LLB में थे, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमको मिलता था। हम लोग हॉस्टल
की राजनीति कांकेर कॉलेज से शुरुआत किए थे, उसी का परिणाम है हम भी इस मुकाम तक पहुंचे। तो बड़े भाई की भूमिका में उनका हमेशा सहयोग मिलता था, उनका जाना ही हम सबके लिए और मेरे लिए भी अपूर्ण क्षति है जी। अभी वो संवैधानिक पद पर भी थे, आप चूंकि अब वो संवैधानिक गतिविधियों में भी रहते थे, सदन के भीतर भी अपने कामकाज में पूरा सहयोग करते रहे होंगे, किस तरीके का उनका सहयोग मिलता था तमाम जो विधायक हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष को? विधानसभा के उपाध्यक्ष के नाते जब असेंबली पर बैठते थे तो उनका दीर्घकालीन अनुभव का लाभ मिलता था, अगर कहीं कमियां हो जाती तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम सम्मानीय सदस्यों को भी मार्गदर्शन देते थे। तो कहीं ना कहीं उनके जाना ही छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। बिल्कुल, और हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेहद दुखद खबर आज यहाँ मिली है, भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का निधन हो गया, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, धमतरी ले जाया जा रहा था उनको हॉस्पिटल में, उसी दौरान उनको अटैक आया, इससे पहले भी अटैक आ चुका था। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी और दुखद खबर, भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का आज सुबह निधन हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे मनोज मंडावी, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, पहले भी एक बार अटैक उनको आ चुका था, धमतरी के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी, दुखद खबर आपको बता रहे हैं, भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का आज सुबह निधन हो गया। तो बहुत ही मुखर नेता, बहुत ही तेज तर्रार नेता, नीडर नेता के तौर पर वो जाने जाते रहे। भानु प्रतापपुर अपने नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जो समस्या है उसे बहुत ही मुखरता के साथ रखते रहे, और साथ ही आदिवासियों नेतृत्व किया, राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया है। धमतरी के निजी अस्पताल में उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का आज निधन हो गया। अस्पताल उन्हें ले जाया जा रहा था निजी अस्पताल, धमतरी के निजी अस्पताल में पहुंचने के पहले ऐसे बताया जा रहा है जैसे हमारे सहयोगी राजा राठौर बता रहे थे, उनका निधन हो गया। साथ ही उनके साथ जो कांग्रेस के नेता थे राम भुवन, उनसे भी हमने चर्चा की थी, उन्होंने बताया कि पहले उनको सुबह के वक्त जब अटैक आया तो उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, उनको वॉमिट हुई, और उसके बाद उनको ले जाया गया हॉस्पिटल। पीसीसी प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुनिया जी, बहुत दुखद खबर छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी, कांग्रेस की राजनीति से जुड़ी, क्या क्या रिएक्शन देंगे आप? छत्तीसगढ़ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और हमारे जुझारू नेता मनोज मंडावी जी के निधन का दुखद समाचार मिला है, सुनने पर विश्वास नहीं हो रहा है। उनके देहांत से उनके परिवार, जो उनके मानने वाले, और प्रदेश की राजनीति को बड़ी गहरी क्षति पहुंची है जी। मैं उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें शांति प्रदान दे। ओम शांति, ओम शांति। पुनिया जी, संगठन में क्योंकि आप प्रभारी रहे, संगठन में किस तरीके से वो बात रखा करते थे, कितने मुखर थे? हालांकि कहा जाता है बहुत नीडर नेता थे और अपने क्षेत्र में आदिवासियों का पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ रखते थे, अगर संगठन के भीतर अगर उनकी बात रखने की शैली कैसी थी, किस तरीके से वो चर्चा में शामिल होते थे? वो बहुत बेबाकी से खुल के बात करते थे, वो इस चीज की परवाह नहीं करते थे कि जो सुनने वाला है वो उनको बुरा लगेगा या सही लगेगा, वो जो सही बात समझते थे उसको कहते थे, अवश्य कहते थे, उससे झिझकते नहीं थे। तो ये बहुत कम ऐसे लोगों में होता है, वरना तो आप देखते हैं कि अगले को जो अच्छा लगे वही बात कही जाए, तो ऐसा नहीं था उनके साथ में जी। प्रभारी होने के नाते आप उनके क्षेत्र में भी गए होंगे, क्या कैसा अनुभव रहा उनके नेतृत्व को लेकर? उनको बहुत मानने वाले लोग थे और जी किसी भी तरह से वो जननेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे और सभी लोग, हर समुदाय के लोग उन्हें मानते थे जी। बहुत बड़ा नुकसान पूरे प्रदेश की राजनीति को हुआ है, न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि एक सभी वर्गों से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे।
चलिए पुनिया जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीएल पुनिया, पीसीसी प्रभारी, अपनी बात रख रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे। प्रेम साय सिंह टेकाम इस वक्त हमारे साथ, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम साय जी, क्योंकि आप एक आदिवासी नेता हैं, वो भी एक आदिवासी नेता थे, बहुत काम उन्होंने आदिवासियों के लिए किया, क्या रिएक्शन देंगे जब ये खबर आपको मिली, तो क्या रिएक्शन, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे भी बड़ा दुखद खबर मिला है, और मनोज मंडावी जी तो बिल्कुल मेरे साथ ही बहुत काम किए हैं, और अब उनके आदिवासी क्षेत्र में और अब आदिवासियों के संघर्ष, उनके साथ बहुत संघर्ष किए हैं। भानु प्रतापपुर के लिए उन्हें बहुत कुछ काम किया, और आदिवासियों के साथ तो इनका जीवन संपर्क था। ये कांग्रेस पार्टी की तो नुकसान है ही, मेरी व्यक्तिगत भी नुकसान इसमें उनको लेके हुआ है जी। तो मेरे पूरी संवेदना है कि एक संघर्षशील व्यक्ति जो विधायक और मंत्री भी रहे हमारे साथ में, फिर विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे, बहुत ही संघर्षशील और आदिवासियों के हितैषी आज हमारे बीच में मनोज मंडावी नहीं रहे, मैं उनके शोक संवेदन प्रकट करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। बहुत मेरे दुखद समाचार इसमें मिला है, मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। चलिए प्रेम साय जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम साय सिंह टेकाम बता रहे थे कि उस तरीके से एक आदिवासी नेता होने के नाते वो अपनी बातों को रखते थे। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी।